साथ रोस्टिंग कैल्सिनेशन इनके डिफरेंस को हम करते हैं बहुत अच्छे से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, तो सबसे पहले आप लिखे मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही आराम से पढ़ते हैं। ईस्टरीफिकेशन हम किसी रिएक्शन को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ईस्टर बनता है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि एक एक्स नाम का एसिड है, सुनना ध्यान से, एक्स नाम का एसिड है जिसने वाई नाम के एक अल्कोहल से रिएक्शन किया। किससे रिएक्शन किया? वाई नाम के एक अल्कोहल से, और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ और एक जेड नाम का स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बना, साथ ही साथ वाटर बना। इस फॉर्म में आपको एग्जाम में लॉजिकल फॉर्म में प्रेजेंट क्वेश्चन मिलता है या मिलेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं। तो क्या करना है ऐसे रिएक्शंस में? आपको ऑब्वियसली याद होना चाहिए कि ईस्टर बना है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड लिखा है, लेकिन स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ईस्टर होता है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। और जैसे ही आपने समझा कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ईस्टर बना है, आप समझ जाएंगे कि ये तो ईस्टरीफिकेशन है। तो वो एसिड कौन सा है? एसिड यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स हम यूज करेंगे, क्या है उस सफिक्स का नाम? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बच्चा जो सफिक्स होगा उस सफिक्स का नाम है ओइक एसिड। क्या नाम है? ओइक एसिड। और अल्कोहल के लिए जो सफिक्स का नाम होता है वो आप जानते हैं ऑल होता है, इतना तो जानते हैं आप, जानते हैं। तो यहाँ पे जो एसिड हमने यूज किया है ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया है, अल्कोहल जो यूज करने वाले हैं उसमें सफिक्स ऑल लगने वाला है। अब आपको याद आएगा पढ़ के गए होंगे तो, ठीक है, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कौन सा अल्कोहल लिया हमने, कौन सा एसिड लिया हमने, बस इन्होंने ये बोला कि एक्स एसिड लिया, वाई अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुई, एसिड के प्रेजेंस में हुई, एसिड एज अ कैटलिस्ट यहां प्रेजेंट है, और आपको मिल क्या रहा है? जेड नाम का एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। तो क्या है ये एक्स? ये एक एसिड है जो कि है CH3COOH। मैं आपको एक नोमेनक्लेचर का भी कॉन्सेप्ट देता चलता हूं। यहां पे जब भी COOH होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड। क्या सफिक्स यूज करेंगे? ओइक एसिड यूज करेंगे। और यहाँ पे कितने कार्बन हैं? दो कार्बन हैं, हमने पढ़ रखा है सिंगल कार्बन, वन कार्बन के लिए मिथ यूज करते हैं, टू कार्बन के लिए इथ, थ्री कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेट, सात के लिए हेट, आठ के लिए और नाइन कार्बन है तो नॉन, टेन है तो डेड। नाइन टेन तक हम नहीं जाएंगे, सिक्स सेवन तक हम हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? दो कार्बन। तो क्या नाम होना चाहिए इसका? इथेन जैसा होना चाहिए, लेकिन COOH ग्रुप का है तो क्या सफिक्स लगेगा? ओइक एसिड। तो एक नोमेनक्लेचर की बात भी क्लियर कर लो आप, सिंपल नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस में है। इस इथेनोइक एसिड को हम कॉमन फॉर्म में एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। कॉमन फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चों? एसिटिक एसिड। तो इसका नाम आप एसिटिक एसिड भी जरूर लिख लो। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? C2H5OH से। जो X है वो वास्तव में क्या है? इथेनोइक एसिड है। जो Y है वो क्या है बच्चों? C2H5OH मतलब अगेन दो कार्बन, दो कार्बन मतलब ये इथेन वाला ग्रुप है, और OH लगने के कारण क्या सफिक्स लगेगा? ऑल लगेगा, यानी ये क्या है? इथेनॉल है। किसकी प्रेजेंस में? कौन कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है यहाँ पे? एक एसिड हम लोग यूज करेंगे, H2SO4 कर सकते हैं, H प्लस आयन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? ऐसा करने से देखो CH3COO क्या मिलेगा, मैं नीचे लिखता हूँ, CH3COO मिलेगा और C2H5। इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि हमने लिखा CH3COO OC2H5, पर कोई नहीं, आप इतना डिटेल में भी ना जाए, आप डायरेक्ट ये रिएक्शन लिख दें। कैसे? CH3COO C2H5 बचा क्या? यहां से H बचा, यहां से OH बचा, अलग हो गया H2, वाटर अलग हो गया और सेस जो भी है कंबाइन कर दो गया, तो क्या बन गया ये? इसको पढ़ते क्या है? ये ग्रुप क्या कहलाता है? एथिल। CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल या मिथाइल। C2H5 को एथिल, C3H7 को प्रोपिल। तो यहाँ पे एथिल है। तो क्या नाम, कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे?
इसको एथिल और ये दो कार्बन, तो अगेन इथेनो ए, तो याद रखें इसका नोमेनक्लेचर एथिल इथेनो ए, और यही एथिल इथेनो ए बच्चों स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है जो ईस्टर कहलाता है, और इसका यूज हम परफ्यूम बनाने में भी करते हैं क्योंकि एक स्वीट स्मेल देता है। और इस कंपाउंड के बनने के कारण, इस एथिल इथेनोएट के बनने के कारण, इस ईस्टर के बनने के कारण ही इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, ईस्टरीफिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईस्टरीफिकेशन। कोई डाउट? समझ में आया? तो जब ईस्टर बनेगा तो ईस्टरीफिकेशन, सोप बनेगा तो सैपोनिफिकेशन। अब सोप क्या होता है, कैसे बनता है देखते हैं। एक सोप बनाने का तरीका ये है कि आप ईस्टर को ही पकड़ लो, आपने ईस्टर को ही पकड़ा और ईस्टर की ही रिएक्शन आपने एनओएच से करा दी। आप एक काम ये भी कर सकते हो, यदि आपने ईस्टर की ही रिएक्शन एनओएच से करा दी क्या बनेगा बताओ, CH3COOH, CH3COOH और साथ ही साथ C2H5OH, तो इथेनॉल वापस से मिल जाएगा। इथेनॉल से आपने ईस्टर बनाया था, अब ईस्टर से वापस इथेनॉल चाहते हो तो आप ईस्टर की रिएक्शन किससे कराओगे, एनओएच से कराओगे। यहां पे वापस से इथेनॉल बन गया, साथ ही साथ ये जो कंपाउंड बना है ये सोडियम सॉल्ट है, इसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे भाई, इसको क्या पढ़ा था हमने, एथिल इथेनोएट, इसको पढ़ेंगे सोडियम इथेनोएट, क्या पढ़ेंगे सोडियम इथेनोएट, और ये सोडियम इथेनोएट पता है क्या कहलाता है, यही हमारा सोप है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सैपोनिफिकेशन। तो ये एक तरीका है सोप बनाने का। जो मोस्ट फेमस तरीका है सोप बनाने का वो क्या है, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ। इससे भी आपको क्या मिलेगा, CH3COOH मिलेगा, देखो, और साथ ही साथ ये H और ये OH क्या बना देगा, H2O अलग बना देगा। ये कंपाउंड सेम कंपाउंड कहलाएगा सोडियम इथेनोएट, जिसे हम सोप बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन ही कहा जाएगा। और भी रिएक्शन हो सकती है जिसमें आपको सोप मिल रहा है, एक और हो सकती है, यदि आप इस इथेनोइक एसिड की रिएक्शन, यदि आप इस इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसी कार्बोनेट से करवा दो सोडियम के, सोडियम का कार्बोनेट होना चाहिए लेकिन, तो भी क्या बनेगा, CH3COOH और साथ ही साथ H2O और साथ ही साथ यहाँ पे CO2 गैस एफर्वेसेंस के साथ रिलीज होती है। तो यहाँ पे ये है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ये है सोडियम कार्बोनेट, बैलेंसिंग कर लेते हैं, दो सोडियम है तो यहाँ दो लगाते हैं, इसमें हम दो कर लेते हैं भाई, टू कर लेते हैं, तो इससे CH3COOH2 अलग आया, H2O हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। एक और रिएक्शन हो सकती है कि यदि हम इस CH3COOH की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई Na2CO3 10H2O क्या कहलाता है, वासिन पाउडर, और NaHCO3 को क्या बोलते हैं, NaHCO3 को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे क्या बन जाएगा, CH3COOH, साथ ही साथ क्या निकलेगा, H2O और CO2 गैस एफर्वेसेंस के साथ। तो क्योंकि इन सब में क्या बन रहा है, ये कंपाउंड बन रहा है सोडियम इथेनोएट, जिसे हम सोप बोलते हैं, इसलिए इन सब रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। वास्तव में जो सोप होता है उसमें कार्बन की लंबी चेन होती है, फैटी एसिड की एक 15-17 कार्बन की चेन होती है, पर ये भी एक सिंपल सोप तो कहा जाएगा। तो क्लियर हुआ सैपोनिफिकेशन, सोप बनने के कारण सैपोनिफिकेशन, ईस्टर बनने के कारण ईस्टरीफिकेशन। अब इस सोप की जब हम बात करेंगे कि सोप कैसे काम करता है, डिटर्जेंट कैसे काम करता है, तो सोप में क्या होता है, फैटी एसिड की, ठीक है, सोडियम की चेन होगी, फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होगी, और डिटर्जेंट में क्या होगा, सल्फोनिक एसिड की लॉन्ग चेन होगी। जो सोप है वो किस पानी में काम कर सकता है, सोप है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है, हार्ड में नहीं कर पाता, लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर का मतलब क्या है, जिसमें ज्यादा मिनरल्स है, ठीक है। तो ये सोप और डिटर्जेंट्स के क्लींजिंग एक्शन को भी आपको पढ़ना है, सोप में मिसल्स बनते हैं,
जो कि ऑयल के पास जाके कलेक्ट होते हैं और उनमें एक हेड होता है, टेल होता है, वो आप सोप और डिटर्जेंट की क्लींजिंग एक्शन में जरूर पड़े। अब आते हैं रोस्टिंग कैल्सिनेशन। रोस्टिंग कैल्सिनेशन में भी डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 मिनट्स में मैं कवर कर रहा हूँ जो आपको पढ़ना है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों ही केस में हमें ध्यान रखना है कि भाई ये एक तरीके से ऑक्सीडाइज करने की रिएक्शन है। क्या करने की रिएक्शन है? ऑक्सीडाइज करने की रिएक्शन है। किसे ऑक्सीडाइज? यहाँ पे हम करते हैं सल्फाइड ओर को। किसे? सल्फाइड ओर को। और यहाँ हम करते हैं किसे? कार्बोनेट ओर को ऑक्सीडाइज करने की रिएक्शन होगी। ठीक है, पहली चीज यहाँ एक्सेस ऑक्सीजन होगा, एक्सेस एयर या ऑक्सीजन होगा यहाँ, लेकिन या तो अब्सेंस होगा एयर का, जनरली अब्सेंस ही होता है, या फिर लिमिटेड सप्लाई होगी। ठीक है, क्यों इसको यूज करते हैं? रिडक्शन के पहले ऑक्साइड क्लियर करना होता है सल्फाइड ओर को, तो हम यूज करते हैं रोस्टिंग का। और यदि हमें ऑक्साइड बनाना है कार्बोनेट ओर का, क्योंकि रिडक्शन ऑक्साइड का जल्दी होता है, तो इस कारण से हम कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर में करेंगे। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, आप बात कर सकते हैं किसी भी सल्फाइड ओर की, जिंक सल्फाइड की बात कर सकते हैं आप, ठीक है, और कौन से सल्फाइड की बात कर सकते हैं, मर्क्यूरी सल्फाइड की बात कर सकते हैं, लेड सल्फाइड की बात कर सकते हैं। लेड सल्फाइड को क्या बोलते हैं? गैलेना। ठीक है, ऐसे ही जिंक सल्फाइड होता है, ऐसे ही मर्क्यूरी सल्फाइड को सिनाबार बोलते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी सल्फाइड ले, सपोज हमने जिंक सल्फाइड लिया, क्या करेंगे इस जिंक सल्फाइड की? O2 से रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्या गैस निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, तो बैलेंस कर ले इसको। कैसे बैलेंस करें? यहाँ 2 कर दे तो 3 कर दे, और सल्फर यहाँ पे कितना कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं। ठीक है, 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे कितना कर दे? 2 सल्फर हो गए, यहाँ पे 2 करते हैं तो 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, यहाँ 3 कर देते हैं, हो गया बैलेंस। इस तरीके से सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदलने के लिए किसका यूज करना होता है? किसका करना होता है? इस रोस्टिंग। ठीक है, ये मेटल नॉन मेटल में हम पढ़ने लग गए, ये जब कर रहे थे कार्बन कंपाउंड था, मैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप कार्बन कंपाउंड्स में डिटेल से पढ़ेंगे, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में। पर स्पेशली इस चीज को बहुत अच्छे से करके जाएं, कई बार आप लिख के जाएं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम कैल्सिनेशन जब भी करेंगे तो क्या करेंगे? कोई भी कार्बोनेट ओर ले सकते हैं, जिंक कार्बोनेट भी ले सकते हो, इसको आप हीट करते हो तो अगेन ZnO बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड एफर्वेसेंस के साथ रिलीज होती है। अब इसके बाद हम जिंक ऑक्साइड से जिंक पाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसकी कार्बन से रिएक्शन करा के इसको रिडक्शन करवा सकते हैं। तो जब हम किसी मेटल की ओर से मेटल पाना चाहें, स्पेशली सल्फाइड ओर से, तो रोस्टिंग करेंगे फिर रिडक्शन करेंगे, कार्बोनेट ओर से तो रोस्टिंग की जगह यहाँ कैल्सिनेशन होगा, कार्बोनेट ओर हुआ तो कैल्सिनेशन, उसके बाद रिडक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस या तो डिफरेंस के फॉर्म में पूछे जाएंगे कि एस्टरीफिकेशन सल्फोनिफिकेशन में डिफरेंस बताओ, या फिर सेपरेटली पूछा जा सकता है व्हाट इज एस्टरीफिकेशन, या फिर एक्स वाई जेड करके पूछा जा सकता है। सेम हियर आपसे सेपरेटली भी पूछा जा सकता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, एसर्शन रीजन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो ये एटलीस्ट इतना बढ़िया से करें। ठीक है, चलिए।